नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सुष्टि जैन। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे भारत देश में ये दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भोपाल में भी राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया। इसके अलावा पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होने वाला था, लेकिन बारिश के चलते स्थान में परिवर्तन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, साथ ही कहा कि 10 साल पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में योग से निरोग का प्रस्ताव रखा था, जो पारित हुआ। आज दुनिया योग के कार्यक्रम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना और अन्य मुद्दों के संबंध में समीक्षा बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया और साइंस कॉलेज मैदान में उमड़े जनसैलाब ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश मूढ़त और गुरु खुशवंत साहब सहित अनुज शर्मा भी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने गुरुवार को जिले के विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ क्रियान्वयन हो और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। वे आज कबीरधाम जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पच्चीस जून से प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह बस्तर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से पहले से यहां के सरकारी स्कूल संसाधनों और शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार के नाम पर स्कूलों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 400 से अधिक स्कूल एकल शिक्षकीय है, तो वहीं 54 स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं है। हमारे जिले में 25 तारीख से जो शाला प्रवेश उत्सव के साथ साथ में जो स्कूल शुरू होने हैं, इसके लिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास अतिरिक्त टीचर्स हैं और शासन की तरफ से भी बड़ी संख्या में टीचर्स की नियुक्ति की जा चुकी है, तो एक एकल शिक्षकीय या फिर शिक्षक विहीन शालाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में घट गया है। कोशिश ये भी किया जाएगा जहाँ पे अतिरिक्त मात्रा में हमारे पास टीचर्स है वहाँ पे उन लोगों को तैनात भी की जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में हमारे 10th और 12th के जो बच्चे जो हैं, खास करके 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स उनको फेस करने हैं, शिक्षकों की कोई मातृत्वकाश में जा रहा है या फिर कोई अलग कामों में व्यस्त है या फिर वहाँ पे शिक्षक की पदस्थापना नहीं हो पाई है, ऐसे जगहों में हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास जो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है उसके माध्यम के द्वारा भी हम लोग पढ़ाई करवाने का कोशिश करेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल के साथ जोड़े रखेगा।
खाली पड़े पदों को लेकर शासन को अवगत कराया? बिल्कुल कराया गया है, शासन समय समय पर इस जानकारी मांगती रहती है, इसको हम लोग जैसे ही हमारे पास जानकारी वांछित की जाती तत्काल इसको प्रेषित कर दी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडेरा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा संचालित विश्राम गृह में राख में प्राइवेट जन्मदिन पार्टी की जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार ये जन्मदिन की पार्टी किसी ठेकेदार द्वारा मनाया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये विश्राम गृह शासकीय अधिकारी और मंत्रियों की व्यवस्था के लिए होता है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की पार्टी करना समझ से परे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग को बढ़ावा देने और समाज के स्वस्थ जीवन शैली की अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। योग कार्यक्रम स्थानीय विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा अन्य तमाम नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बस्तर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश और हमारे बस्तर को आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूरे देश में, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में 177 देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दिलाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, हमारे देश की प्राचीनतम विधा है। आज पूरे विश्व ने इसको अपनाया और आप देख रहे होंगे कि घर घर में सभी और योग किया जा रहा है। और ये स्लोगन जो हम बोलते हैं कि करो योग रहो निरोग, इसको चरितार्थ भी होता हुआ दिखता है। घर घर में योग हो रहा है और सभी शिक्षण संस्थाओं से लेकर अन्य संस्थाओं में, आज जगदलपुर में भी, और जिला प्रशासन के माध्यम से और सभी पतंजलि योग पीठ, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य सभी संस्थान, गायत्री परिवार, सभी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भी आज इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यह प्रस्ताव रखा था कि योग जो भारत की संस्कृति, भारत की ज्ञान परंपरा है, भारत की विरासत है और यह सार्वभौमिक सत्य है कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन और आत्मा तक का साक्षात्कार योग से संभव है। उस ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो योग है वो भारत ही नहीं बल्कि अपितु पूरा विश्व करे। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो ये प्रस्ताव रखा था, ये पहला संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा प्रस्ताव था जिसमें 177 देशों ने इस चीज को मान्य किया और 177 देशों ने इसका अनुमोदन करके 21 जून जो पूरे साल का सबसे लंबा बड़ा दिवस होता है योग, क्योंकि जीवन को ऊंचाइयां देता है, लंबा जीवन देता है, इसलिए आज के दिन को 21 जून को चयनित किया गया। और 21 जून के इस में हम इस वर्ष 10वां या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं जिसमें इस बार का थीम है योगा फॉर वोमेन एम्पावरमेंट। योग जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए योग, इस विषय पर आज पूरा विश्व योग में हो रहा है। माननीय मोदी जी आज कश्मीर में कर रहे हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के इधर बंगाल तक सब जगह पर न सिर्फ देश में अपितु तो पूरे विश्व में आज योग हो रहा है। हम सभी पतंजलि के विशेषकर पूज्य स्वामी रामदेव जी जिन्होंने 9 साल की उम्र से योग किया और एक दिन भी बीमार ना पड़े, एक दिन भी उनका कोई कार्यक्रम, आज 2 लाख से अधिक सभाएं की होंगी, 2 लाख से अधिक योग के शिविर किए और करोड़ों लोगों को उन्होंने करोड़ों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज रविशंकर स्टेडियम गुर्ग में आयोजित गशम योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के साथ गुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी योगा में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए। बता दें आपको, इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा आज का दिन वो दिन है जिसमें भारतीय परंपराओं को 172 देशों ने मान्यता प्राप्त की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया, इस दिन भर के संस्कृति की पहल को पूरे दुनिया ने अंगीकार किया है।
बहुत ही शानदार आयोजन रहा भाई, बहुत ही शानदार। पूरे स्टेडियम में इतनी बारिश और इतनी परेशानियों के बाद भी सभी लोगों ने मिलकर, पतंजलि समिति के लोग, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे भाजपा के जिला के अध्यक्ष जी, समूचा प्रशासन, सब ने मिलकर बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बहुत अच्छा योगाभ्यास का आज का दिन रहा। 21 जून वो दिन है जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत के योग को पूरी दुनिया ने अपनाया। जो भी है आप लोग और ध्यान दिलाएं, जो जैसा बात होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। जिस स्टेडियम में ये आयोजन हो रहा है, ये स्टेडियम लंबे समय से जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, आज भी आपकी स्थिति देखें यहाँ पे जिसकी तरह से आपने ध्यान दिलाया है, इसमें बात करते हैं। जी आपने आज वृक्षारोपण किया, लेकिन ध्रुव के नकपुरा में एक मामला आया जहाँ डॉक्टर साहब जो रमन सिंह थे 2010 में उन्होंने वृक्षारोपण किया था, तो सागौन का जो पेड़ है वहाँ से पूरी तरह से काट दिया गया, हजारों वृक्ष कट गया, उसमें किस प्रकार कार्रवाई? पिछली सरकार में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वृक्षारोपण किया जाता है तो वो फलीभूत हो, आगे बढ़े, सबका भाव ऐसा होना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कवर्धा में आज जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया। उप मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक कुछ देर में संपन्न हुई। इस तरह से ऋषि मुनियों ने आदि काल से लेकर योग को बहुत बड़ा महत्व दिया। पहले बहुत ज्यादा चिकित्सा का सुविधा नहीं हुआ करता था, उस समय हम कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से हमारे शरीर कैसे स्वस्थ रहे इसके लिए निरंतर रूप से काम किया जाता था। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको भारत में ही नहीं पूरे विश्व में योग को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज पूरे भारत में नहीं दुनिया के लगभग 193, 94, 95 देशों पर एक दिन एक समय पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जांजगीर के प्राचीन भीमा तालाब जाज्वल देव के द्वार में हो रहे योगाभ्यास में शामिल हुए, साथ ही जिले के कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और स्कूली बच्चों सहित शासकीय कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। भारी संख्या में लोग आज योग करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि योग प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बचा सकते हैं अपने शरीर को, जिसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम योग करना चाहिए। योग दिवस की आप सभी को, पूरे जांजगीर वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। भारत की परंपरा और संस्कृति को नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में स्थापित करने का जो अभिनव प्रयास किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की औसत आयु पहले कम होती थी, लेकिन जितने लोग 20-30 साल की उम्र से ज़्यादा आगे जाते थे, 80-90 साल तक बहुत पूर्ण स्वस्थ जीवन जीते थे, लेकिन आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु बढ़ रही है, लेकिन तमाम बीमारियों के साथ लोग जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस, बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जो महान परम्परा में योग की परम्परा रही है, उससे लोगों का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एक अलग स्तर पर हम पहुंचा सकते हैं। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उसके तहत आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुगंग शर्मा ने पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में योग कर स्वस्थ रहने का संदेश किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुगंग शर्मा ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 175 देशों ने योग किया है, अन्य देशों को स्वस्थ रहने का संदेश किया। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया के देशों को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने की सलाह दी और दुनिया के देशों ने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति योग को आत्मसात किया। आज पूरे देश में योग की यश पताका फहरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में बूथ स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया ने आज योग दिवस को मनाया है। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का आज परिणाम है कि दुनिया के 175 से ऊपर देशों ने भारत के योग जो संस्कृति का सबसे बड़ा हमारा हिस्सा है उसे दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर आज 10वां वर्ष है सफलतम तौर पर लोगों के निरोगी काया बनाने के लिए तन मन और हम देश के लिए स्वस्थ काम कर सकें इसके लिए हर व्यक्ति के मन में आज योग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज लोगों ने अपनाने का काम किया और इसलिए आज हमने पन्ना के अंदर भी यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण पन्ना के प्रबुद्ध नागरिक माताएं बहनें नौजवान साथी छात्रों ने और योग में काम करने वाली वो संस्थाएं जो लगातार सक्रिय रहती हैं और यहाँ की सामाजिक संस्थाओं में भी आज योग दिवस के इस पावन पर्व पर सबने अपनी भूमिका निभाई है। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और अपने पन्ना के लिए योग को तो हम सब लोग अपना ही रहें और अपनाएं भी मैं अपील करता हूँ लेकिन अपने पन्ना को स्वच्छ शहर बनाने के लिए हम सब मिलकर के स्वच्छता के अभियान में भी सब मिलकर के काम करें ये आज मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। रायगढ़ जिले के धरम जयगढ़ में दुर्घटना हो गई। पंजाब बैंक के सामने टक्कर हुई। आपको बता दें हादसे में एक ड्राइवर का पैर कैबिन में फंसा और पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। राजनांदगांव जिले अंतर्गत डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम मुड़पार में बीते दिनों रोड किनारे भारी मात्रा में रेत माफियाओं द्वारा डंप रेत को डोंगरगढ़ एसडीएम और नायब तहसीलदार द्वारा जब्त की गई। इस दौरान रेत को एसडीएम द्वारा बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया और डोंगरगढ़ एसडीएम और नायब तहसीलदार पर दोषियों पर एफआईआर करने की मांग करके हुए ज्ञापन सौंपा गया। बोला रेकी का कर मालूम नहीं है। हाँ हाँ। फिर मुड़ पारे वाले गांव वाले मन की हुई तो आप यहाँ के कोटवार होकर बाद आप ला छोड़े के बाद में ये कोटवार ला पकड़े इसे काबर अब दोनों जन ला यहूल लाने हैं मोहूल लाने हैं ता थोड़ा देरी देख रेख कर बे कही के हमने देख रेख कर लेते हूँ घर आ जाते हूँ ये दिन और रात आप ला कौन बोले देख रेख करेला तहसीलदार कौन तहसीलदार अच्छा तहसीलदार ये है चोरी का मामला छोटी मोटी चोरी नहीं है 800 टिप्पर रेत चोरी का मामला है। आज सवेरे आप लोग सब न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे उसमें भी आया है ये मामला और हमारी भी तैयारी थी कल से क्योंकि हमने जब जांच किया तो ये पाया कि ग्राम मुड़पार में लगभग जामरी तक 800 टिप्पर रेत निकाला गया। यदि 800 टिप्पर रेत निकला है तो निकलते तक प्रशासन क्या कर रही थी। ठीक है चलो प्रशासन को लेट पता चला प्रशासन वहां गई जब्ती की कार्रवाई की जब्त किया हुआ रेत कहाँ है बताएगा प्रशासन। फिर एक आदेश जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उक्त रेत को हटाने के लिए दो लोगों को नियुक्त किया गया एक प्रतीक अग्रवाल राजनांदगांव निवासी और दूसरा लेखराम साहू बेलगांव निवासी। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी रेत को वहां से हटाने की। हटाने के बाद क्या करना है उस प्रपत्र में नहीं लिखाया है
जानकारी हमको मिली है कि उस रेत को बेच दिया गया है, तो क्या शासकीय संपत्ति को जब तक जब जब्त कर लिए तो शासकीय संपत्ति हो गई ना, तो शासकीय संपत्ति को बिना किसी कागजी कार्रवाई के बिना किसी निविदा के बेचा जा सकता है क्या? और ये मामला किसका है? खनिज विभाग का है। तो इस संबंध में खनिज विभाग को कोई सूचना दी गई है, कोई पत्राचार किया गया है, उनका कोई सहयोग लिया गया है? तो कुल मिलाकर के जब पूरा जांच किया गया तो देखा गया कि यह मामला चोरी का है, और 800 टिप्पर रेत चोरी यानी करोड़ों का मामला है, और इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका शासकीय अधिकारियों की दिख रही है, क्योंकि हमको एसडीएम के साहब की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और चूंकि कहा जाता है कि वह क्षेत्र तहसीलदार में मुकेश ठाकुर जी के क्षेत्र में आता है, तो उसमें मुकेश ठाकुर जी का भी कोई इन्वॉल्वनेस वहां पर नहीं दिख रहा है, तो इससे पूरा क्लियर हो रहा है कि यह रेत चोरी का मामला है और चोरी करके करोड़ों की हेरा फेरी की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और हमने थाना में दिया है एफआईआर करें, जांच करें, और जो भी इसमें संलिप्त है चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो कोई भी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जी सर, कांग्रेस के लोगों ने आपके पास आकर के ज्ञापन दिया है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये अपना मुड़पार गांव है, वहां पे कुछ अवैध रेत डंप था जिसको एसडीएम साहब द्वारा वहां से उठाया गया था, अवैध है, उसका मालिक खोजबीन के नहीं मिला तो उठाया गया था। उसी के संबंध में उनका कहना है कि ये रेत चोरी हो गया है, कहाँ गया करके एक आवेदन दिए हैं, तो अपन आवेदन अभी ले लिए हैं, उस पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक के है जाँच पे हमें ये कुछ तो समझ आया है कि उसमें से कुछ रेती को प्रशासन द्वारा रॉयल्टी दे करके उसमें बेचा गया है, और उसका रसीद वगैरह भी मैंने देखा है। तो उठाने के दौरान क्या पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस बल दिया गया था? हाँ हाँ, पुलिस प्रशासन मांग किया गया था, पुलिस भी गया हुआ था वहाँ। उनके कहने पर भेजा गया था? मतलब एसडीएम साहब खुद कॉल किए थे। तो आपका क्लिप बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़।